नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। इस समय महाराजगंज विधानसभा के क्षेत्र में हम आए हुए हैं और राजद प्रत्याशी श्री कमख्या सिंह जो हैं, जो चुनाव मैदान में राजद से अपनी दावेदारी प्रबल दावेदारी पेश कर चुके हैं और इनका एक ही नारा है, तेजस्वी के साथ हम चलेंगे। तेजस्वी ने नारा दिया है कि नया बिहार नई सोच के साथ, तो इन्होंने एक नारा इसमें एक कड़ी जोड़ी है कि ये नया बिहार नई सोच और नई महाराजगंज परिवर्तन लाने के लिए इन्होंने चुनाव मैदान में आए हैं। जो आज तक की जितने भी जनप्रतिनिधि हुए महाराजगंज की उपेक्षा किए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, राजद प्रत्याशी कमख्या सिंह से। अच्छा सर, ये बताइए कि महाराजगंज में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर चुनाव मैदान में आने का प्रमुख कारण क्या रहा? देखिए, महाराजगंज के लोग स्नेह और प्रेम से मुझे प्रत्याशी बनाया है, जनता मुझको कह रही चुनाव लड़ने के लिए, मैं जनता के बीच घूम रहा हूँ और यहाँ जितने जनप्रतिनिधि आज तक वो महाराजगंज को ठगे, चाहे वो 77 से लेकर आज तक, कुछ तो बाहरी प्रत्याशी आकर यहाँ लड़े, लेकिन हम लोग इस समय ठान लिए हैं कि कोई बाहरी प्रत्याशी अगर आकर यहाँ लड़ता है तो उसका जमानत जब्त करके यहाँ से भेजेंगे। आपने एक नई नारा दिया है चुनाव मैदान में आते ही कि नया बिहार नई सोच और नई महाराजगंज, आखिर इस नारा का क्या मुख्य कारण रहा? पहले तो नया हमको महाराजगंज अनुमंडलीय शहर है, यहाँ जिला बनाना है। मेरी सोच है कि सबसे पहले जिला बने और युवाओं को रोजगार मिले, तो नया बिहार नया महाराजगंज बनाने के सोच से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं बहुत सारे प्रत्याशी राजद से भी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर राजा राम, उसके बाद ये हैं राजीव रंजन जी हैं, ऐसे बहुत अनगिनत प्रत्याशी हैं, तो उसमें अपने आप को आप कहाँ पा रहे हैं? देखिए, राजा राम जी का तो मेरे मित्र हैं, उनको टिकट मिला तो मैं उनके साथ हूँ, हमको मिला तो हमारे साथ हैं। राजीव रंजन जी के बारे में नहीं बता सकता हूँ कहाँ के हैं, कैसे आदमी हैं, और मेरे दोनों प्रखंड के कार्यकर्ताओं द्वारा 11 आदमी की सूची कार्यालय में गई है, नाम आ जाएगा उसके साथ हम लोग दौड़ पड़ेंगे। अच्छे, ये चीज़ बताइए कि आखिर महाराज में चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका प्रमुख मुद्दा क्या होगा, महाराज गंज की युवा आपके साथ कैसे साथ कदम मिला के चल रहे हैं? महाराज उनके टोटल युवा हमारे साथ चल रहे हैं और युवाओं के बारे में हम सोचेंगे और मेरी सरकार की सोच है, और हम लोग तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे तो पहल का प्राथमिकता होगा कि युवाओं को रोजगार हम लोग देंगे, और बहुत बेकारी हम लोग किया है। दूसरा, ये जो आपके किसान का बिल जो अभी तत्काल हुआ है, जो पारित हुआ है, उसके विरोध में कल मैं धरना प्रदर्शन करूंगा महाराजगंज में और नरेंद्र मोदी का पुतला जलाऊंगा। जैसे राजद प्रत्याशी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं राजद प्रत्याशी पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं, घोटाले के लग रहे हैं, तो क्या ये चुनाव प्रभावित नहीं करेगा? नहीं, जनता सोच ली है कि अब की तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, एकदम तूफान चल रहा है क्षेत्र में, घूमकर आप देखिए, आप लोग तो हम लोगों से ज़्यादा जानकार हैं क्षेत्र में, चलिए आज जनता पुकार रही है। और जो आपके मुख्यमंत्री हैं सुशासन बाबू, उनका कुशासन देखकर अभी चलिए यहीं पर आपके गौर में क्या घटना हुआ है, जबरन वहाँ से पहले पुलिस पैसा लेती थी, अब शराब बंद करा रही है, और फिर क्या घटना हुआ तो सब सामने है। अच्छी, महाराजगंज से जितने भी प्रतिनिधि